सुप्रभात बच्चों, आप लोग सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग सब सकुशल होंगे। कल मैंने आपको एक पेज इंग्लिश का हैंडराइटिंग का भेजा था, आप सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा आज तक। आज का हमारा विषय है हिंदी का हैंडराइटिंग। अभी तक हम लोगों ने जितने सारे हिंदी के अक्षर सीखे हैं, उन्हीं को मिलाकर कुछ नए शब्द बनाया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक, एक, ज, ग, जग, ई, ख, ईक, आ, ग, आग। अपने मम्मी या पापा को बोलेंगे कि कोई भी रफ कॉपी में ऊपर ऐसे डेट लिख के, हैंडराइटिंग लिख के आपको ऊपर वाले शब्द लिख देंगे और आप इसी को देख के नीचे हैंडराइटिंग के जैसे सुंदर अक्षर में लाइन के अंदर लिखोगे। अभी मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। जैसे ए क, एक, ए क, एक, ए क, एक। हमेशा लिखते वक्त बोल के ही लिखना है हमको। ए क, एक, ऐसे ही लिखते हुए पूरा लाइन कंप्लीट करना है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट वर्ड, ज, ग, जग, ज, ग, जग। इसे भी कंप्लीट करना है पूरा एंड तक। फिर हमको थर्ड वर्ड के पास जाना है, दैट इज ई, ख, ईक, ई, ख, ईक। इसको भी हमको एंड तक कंप्लीट करना है। देन क्या लिखा है ये? आ, ग, आग। आ, ग, आग। आ, ग, आग। ऐसे पूरा लाइन कंप्लीट करना है। बच्चों, अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा हिंदी का कॉपी है तो आप उसमें लिख सकते हो ऐसे लाइन में, बड़े लाइन के अंदर, या फिर कोई भी रफ कॉपी में, कोई भी सिंगल लाइन रफ कॉपी में भी लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना बच्चों कि लाइन के बाहर एक भी अक्षर ना जाए। सुंदर करके लिखना, अच्छी तरह से लिखना,